जो दलीलें रेलवे की तरफ से दी जा रही हैं, जो क्वेश्चन आयर या फिर उनके आंसर्स मैं देख रहा हूं हर जगह उसके आंसर शीट टाइप से बना करके दिए जा रहे हैं कि हमारा जवाब ये है, स्टूडेंट्स का सवाल ये है, तो आप कहां मानते हैं कि किस तरीके से क्या उन्हें बरगलाया जा रहा है या फिर लिपापोती की जा रही है, क्या हो रहा है जो जवाब रेलवे की तरफ से आ रहा है? रेलवे का जवाब रेलवे के 2016 के जवाब से मैच नहीं कर रहा है। रेलवे ने 2016 में अगर कहा था कि हम 10 गुना रिजल्ट देंगे तो उसने 10 गुना रिजल्ट दिया था, लेकिन 2022 में उसने एक ही लड़के को चार जगह काउंट किया है। तो अगर आप सही हैं तो 2016 में भी आपको ऐसे ही करना चाहिए था। आप इतनी बड़ी 16 लाख कर्मचारियों की संख्या है रेलवे के पास, एक वीडियो बताइए जिसमें आके कोई रेलवे डिपार्टमेंट का आरआरबी का कह रहा हो कि इस तरह से हम प्रोसीजर को अपनाएंगे, या इस 71 पन्ने का नोटिफिकेशन दिया इन लोगों ने। कितना बड़ा बेवकूफी इंसान, 71 पन्ना में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है, ये वैकेंसी निकाल रहे हैं 71 पन्ने का, कौन पढ़ेगा आप बताइए? तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं होता है जिसमें पूरी जिंदगी आपको ज्वाइनिंग बताना पड़ता है, टर्म्स एंड कंडीशन, वो 71 पन्ने का नोटिफिकेशन दे रहा है। इस नोटिफिकेशन के बाद या फिर जो दलीलें उनकी तरफ से दी जा रही हैं उस पर छात्रों की तरफ से क्या जवाब है, या फिर आप जैसे जो शिक्षक हैं, बढ़िया शिक्षक हैं, उनकी तरफ से क्या जवाब तैयार हो रहा है? क्योंकि ये तो करना ही होगा, ये तो पूछना ही होगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। देखिए, हम लोग लड़का आरआरबी क्या कहना है कि हमको तो मेरी सीटें भर ही जाएंगी, तो भैया आप तो बेच के भी भर दीजिएगा सीटों का, तो बिहार में तो 10% सीट तो बेचा के भर जाता है, तो सीट भरने की हम बात थोड़ी कर रहे हैं। पहले लड़का एग्जाम दिया था फर्स्ट फेज का CBT 1, इस CBT 1 में 7.5 लाख लड़कों का रिजल्ट आना चाहिए था, इन्होंने दिया है 3.5 लाख लड़कों का, लगभग 3,80,000 का ये रिजल्ट गड़बड़ कर दिए हैं। वो जो 3,80,000 बच्चे लड़के हैं वो नौकरी नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको मौका दे दीजिए सेकेंड फेज में बैठने का, क्योंकि सेकेंड फेज में ग्रेजुएशन वालों का अलग क्वेश्चन का लेबल दिया जाएगा और इंटरमीडिएट वालों को अलग क्वेश्चन दिया जाएगा। तो वो कह रहे हैं सब कि हमारे साथ यहाँ धोखा हो गया है, हमको हम ना आपसे भगा रहे हैं, बल्कि आप हमसे फॉर्म भरवा लीजिए, आप पैसा ले चुके हैं, हमको यहाँ बैठने दीजिए, इसके बाद भी एक एग्जाम होगा जिसका नाम होगा स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। वो नौकरी थोड़ी मांग रहा है, वो कह रहा है कि हमको यहाँ ग्रेजुएशन वालों के साथ बैठा के अन्याय किए हैं, हमको यहाँ देखने का मौका दीजिए, क्योंकि वहां ग्रेजुएशन वालों का अलग क्वेश्चन होगा, यहाँ अलग होगा। एक्चुअली है क्या, CBT 1 में 70 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, तो रेलवे का भी कहना सही है कि 70 लाख को हम अलग अलग कैसे एग्जाम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो आप 7.5 लाख को पास कराइए ना, यहाँ 7.5 लाख, यहाँ 3.5 लाख को पास कराए हैं, और उसी को हुआ क्या है, 3.5 लाख को पास कराए और कहें कि तुम ग्रेजुएशन किए हो ना, तो 3.5 लाख तुम्हारा पोस्ट, और तुम तो इंटर के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि जो सास है वो तो बहू में गिनाएगी ही गिनाएगी, क्योंकि कभी ना कभी बहू थी, तो आप कहिएगा कि भाई दूगो हो गया यहाँ पर। एक महिला अगर सास के पद पर है तो आप उसको कह सकते हैं कि ये कभी, ये तो बहू के लिए एलिजिबल ही थी, तो आप दोनों ने काउंट कीजिएगा उसको। तो वही कहना है, तो 7 लाख लड़कों का रेलवे आरआरबी एग्जाम ले ले, क्या दिक्कत है उसका, ये कहना है। बिल्कुल, आप आपने के उदाहरण दिए, 7 लाख का एग्जाम ले भी रही है, लेकिन वो मौका केवल ग्रेजुएशन वालों को दे रही है, वो दो बार ग्रेजुएशन वालों को एग्जाम में बैठाएगी, देखो तुम ग्रेजुएशन हो तुम ये एग्जाम दे दो, कल फिर देना, तुम ही देना, कल फिर देना, इंटर भी तुम तो इंटर पास ही हो, तुम ही देना। तो इसका मतलब जो इंटरमीडिएट के लड़के थे उनको केवल रेलवे ने पैसा कमा लिया उनसे, क्यों भरवाए? आप मर्ज कीजिए तो एक साथ मर्ज कीजिए ना, रेस में घोड़ा के रेस में घोड़ा दौड़ता है, गधा के रेस में गधा दौड़ता है, आदमी के रेस में आदमी, तो आदमी के रेस में आप घुसा दीजिए हेलीकॉप्टर, कहिए कि हम इससे संसाधनों को बचा लिए हैं। आपने आपने अपने वीडियो में आपने एक अपने वीडियो में अच्छा उदाहरण दिया, आपके यहाँ किसी टीचर को आपने खड़ा किया और उनको कहा कि ये किस किस एग्जाम में बैठे और कैसे कैसे, अब वो स्टोरी जरा जरूर बताइए, बहुत दिलचस्प है। देखिए, हमारे यहाँ हमने चाइना को कम्पीट करने के लिए, चाइना ने 2 टीचर पॉलिसी रखा है कि उसके यहाँ 2 टीचर आते हैं, एक टीचर पढ़ाते हैं, एक टीचर रिवाइज कराते हैं। हमने 4 टीचर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि एक पढ़ाएंगे, एक टीचर उसका रिवीजन करा के याद कराएंगे, एक टीचर आके क्वेश्चन पूछेंगे, और एक टीचर बांस ले आके पीटना चालू करेंगे बढ़िया से उसको। हमने कहा कि भाई टीचर लोगों को भी हमने कहा कि देखिए एग्जाम में क्या पूछ रहा है, आप भी ट्राई करते रहिए ताकि लेवल ऑफ स्टैंडर्ड हमेशा इंक्रीज होते रहे। उन्होंने एग्जाम में बैठे, वो ऑलरेडी हमारे सर वो मैथ पढ़ाते हैं, PK सर हैं, मैथ पढ़ाते हैं।